हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशनल गुरु। आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है साइंस पेपर से रिलेटेड। जी हाँ, अब आपको बोर्ड के साइंस पेपर में 3 मार्क्स फ्री मिलने वाले हैं। क्यों नहीं, है ना खुशी की बात। तो ये 3 मार्क्स आपको फ्री क्यों मिलने वाले हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन गलत आए थे जो 3 मार्क्स कैरी कर रहा था। शायद ही आप लोगों ने ध्यान दिया होगा उस क्वेश्चन पे। मैं आपको बता दूं कि वो क्वेश्चन आखिर में कौन सा था। तो वो क्वेश्चन है नंबर 14, जैसा कि आप लोग पिक्चर में भी देख पा रहे हैं। इट इज़ रिटन डैट जो नमक हम लोग क्रिस्पी पकौड़ा बनाने में यूज़ करते हैं उसका pH वैल्यू 14 है। तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ जिस सॉल्ट की बात की जा रही है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम लोग बेकिंग सोडा भी कहते हैं। और ये सॉल्ट इतना हाईली एल्कलाइन हो ही नहीं सकता, वरना ये हमारे लिए पॉइजनस हो जाएगा। और बेकिंग सोडा एक एडेबल सॉल्ट है और इसकी pH वैल्यू 14 हो ही नहीं सकता, और इसकी pH वैल्यू 8 कुछ होता है। तो इस गलती की वजह से बच्चे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कंज्यूमर कंप्लेंट वेबसाइट पर बहुत सारे बच्चे ने अपने रिव्यू दिए हैं। तो अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, क्योंकि क्वेश्चन सेट नंबर 2 में था, शायद ही ये क्वेश्चन 1 या 3 में आप आया होगा, और अगर आपने ये अटेम्प्ट किया है तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि इससे आपको इसके पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। क्योंकि अगर CBSE कोई क्वेश्चन रॉन्ग करती है तो उन्हें मार्क्स देना ही होता है। तो स्टूडेंट, ये जानकारी तो मुझे आपको देनी ही थी। और इस वीडियो को सारे ग्रुप एंड सोशल साइट पे शेयर कर दीजिए, इससे कई लोगों को मालूम हो जाएगा, क्योंकि शायद ही ये चीज़ किसी स्टूडेंट को मालूम हो। और हाँ, SST के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए हैं वो भी ज़रूर देख लें। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सोशल साइंस एग्ज़ाम एंड मैथ एग्ज़ाम।